गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस ऑफ क्लास टू. ठीक है, सो लेट्स गो. अब हम लोग पढ़ते हैं. तो ये टाइटल में क्या लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ? प्लांट किंगडम मतलब पौधों का राज्य. प्लांट्स किंगडम मतलब होता है पौधों का राज्य. तो चलो बच्चों पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ. प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस लाइक अस. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल, सम आर स्मॉल एंड शॉर्ट. सम प्लांट्स ग्रो ऑन द ग्राउंड, सम आर इन वाटर. इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस, इसका मतलब प्लांट्स जो होता है वो हमारे चारों तरफ मतलब ग्रो मतलब उगना होता रहते हैं. लाइक अस प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग, जैसा कि प्लांट्स जो होता है वो एक लिविंग थिंग है. लेकिन प्लांट्स लिविंग थिंग है बट वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सकता है. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और कुछ पौधे छोटे होते हैं. और सम प्लांट्स ग्रो ऑन द ग्राउंड, कुछ पौधे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं और कुछ पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर उगते हैं, पानी में उगते हैं. जस्ट लाइक लोटस. लोटस क्या होता है? वो पानी में उगते हैं. तो चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं. आगे क्या लिखा हुआ? ट्रीज़. ट्रीज़ मतलब तो सबको पता है ट्रीज़ मतलब क्या होता है. ट्रीज़ मतलब होता है पेड़. अब पेड़ में क्या है वो देखते हैं. ट्रीज़ आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. क्या होता है? ट्रीज़ आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स मतलब पेड़ जो होते हैं वो बड़े और मजबूत पौधे की तरह होते हैं. दे हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक. ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. सम आर देम लाइक नीम ट्रीज एंड बनियान ट्री लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. इसका मतलब ट्री जो होता है वो बड़े और मजबूत पौधे होते हैं और वे उनके पास मजबूत और सख्त तना जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. मजबूत और सख्त जो होता है वो तना होता है जिसको हम लोग मजबूत और सख्त तना को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. ट्रीज़ जो होता है वो बहुत साल तक ज़िंदा रहते हैं. और कुछ ट्रीज़ जैसे कि हो गया ये नीम ट्री, बनियान ट्री, ये जो होता है ये सब ट्रीज़ 100 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है. जैसे कि देखो ये बनियान ट्री हो गया, ये नीम ट्री हो गया, ये मैंगो ट्री हो गया, ये सारे ट्री जो होते हैं वो 100 ऑफ ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं. ये श्रब्स. श्रब्स मतलब झाड़ियाँ. अब श्रब्स का क्या है? श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स. श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं. दे हैव अ हार्ड एंड थिन स्टेम व्हेन विथ मेनी ब्रांचेस. मोस्ट ऑफ देम लाइव फॉर मेनी ईयर्स. मतलब श्रब्स के पास वो छोटे पौधे होते हैं, उसके पास सख्त और पतला सा तना होता है बहुत सारे ब्रांचेस मतलब शाखा के साथ. तो ये सारे बच्चों जो ये सारे देख रहे हो इसे शाखा बोलते हैं. ये जो होता है ये शाखा ब्रांचेस होते हैं तो इसे हम लोग शाखा बोलते हैं. ये बहुत साल जैसे कि ट्रीज़ 100 ऑफ ईयर्स लिव करते हैं लेकिन ये जो होता है वो कुछ साल तक के लिए ही मोस्टली ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स.